चंडीगढ़ की मिनी माजरा मार्केट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लॉकडाउन वीकेंड पर लगाया गया है यहाँ पर, उसका क्या असर है। आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, जबकि वीकेंड में ये मार्केट लगातार भरी रहती है, लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं। मनी माजरा मार्केट इसलिए भी चलती है, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहु आबादी क्षेत्र मनी माजरा है और उसकी एकमात्र मार्केट जो है ये है, जहाँ पर सभी लोग अपने दिनचर्या के काम करने के लिए, ज़रूरतों के हिसाब से खरीदारी करने के लिए आवागमन करते हैं। यहाँ पर बैंक भी हैं और सभी जगह देखिए आप इस वक्त लॉकडाउन का असर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर्स हैं और अन्य जो ज़रूरी सामान उपलब्ध करवाने की दुकानें हैं, चाहे राशन की हों या दूसरी ज़रूरतें जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं अवश्य खुली हुई हैं। जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण एक तरह से आम जनजीवन की रफ्तार तो रुकती ही है, क्योंकि इस वक्त आवश्यक भी है कि कोविड जिस प्रकार से फैल रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि ये इस वक्त क्योंकि वायरस लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है और संख्या लगातार बढ़ रही है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल बरजारा। अनिल जी, जिस प्रकार से कोविड लगातार बढ़ रहा है और लॉकडाउन लगाया गया है, इस दौरान मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, ज़्यादातर पेशेंट किस प्रकार की दवाइयों के लिए आ रहे हैं? सर, मेन कॉन्सेंट्रेशन तो 430 वही अपनी विटामिन सी, आइवरमेक्टिन, मतलब कोविड से रिलेटेड मेडिसिन के लिए ज़्यादा प्रेशर है, और सैनिटाइज़र है, मास्क है, और एक पैनिकनेस तो है ही है मार्केट में। सर, दवाइयों की सप्लाई क्या पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं आ रही जी, मिल रही है सारी दवाइयाँ। जो रेमडेसिविर या और कुछ इंजेक्शन हैं जो इसके लिए उपयोगी माने जाते हैं, वो सरकार ने वैसे तो इसकी राशनिंग का सिस्टम किया है कि जो आधार कार्ड के माध्यम से वो अप्लाई करें, तो उसकी व्यवस्था क्या रखी गई है? क्या आम आदमी के लिए मेडिकल स्टोरों पर दिया गया है या नहीं दिया गया? नहीं सर, आम मेडिकल स्टोरों पर तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सर सिर्फ 3 ही होलसेलर्स या रिटेलर्स ऑथराइज किए हैं। नंबर 1 कुमार केमिस्ट सेक्टर 11, गुरु नानक मेडिकल सेक्टर 35 और गुप्ता एजेंसी सेक्टर 24, इन्हीं पे ये अवेलेबल हैं। ओपन मार्केट में मेरे को लगता है शायद ना आया है, अभी तक तो आया नहीं है। जो लॉकडाउन लगा है इसका असर कामकाज पर भी पड़ रहा है? बट नेचुरल से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन एक तरफ जैसे कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं और मजबूरी में इस बार प्रशासन को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही स्टेप है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, लेकिन बाकी लोग की पब्लिक परेशान है सर, कामकाज वाइज, पैसे वाइज, गुड्स वाइज, मतलब लोगों को हर चीज़ मिल नहीं पा रही। हर बंदा कोई दूध के लिए, कोई राशन के लिए, कोई दवाइयों के लिए, कोई सब्जियों के लिए, मतलब परेशानी परेशान है सर। मतलब हम दवाइयों का काम करते हैं लेकिन हमें हर तरह की क्वेरी फुलफिल करनी पड़ रही है कि मेडिसिन अवेलेबल है, सब्जियां अवेलेबल है, दूध अवेलेबल है, मतलब लोगों में इस तरह की पैनिकनेस बहुत ही ज़्यादा आई हुई है सर। देखिए, कोविड जिस प्रकार बढ़ रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत भी बढ़ रही है, लोगों में ये पैनिक जो फैल रहा है, लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रशासन, सरकार सबके ये दावे हैं कि कोविड से, क्योंकि जिस प्रकार से डेथ रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है भारत के अंदर, इसको देखते हुए लोगों को जागरूक होना चाहिए, कोविड से सावधानियाँ रखनी चाहिए, और जो 2 गज की दूरी सबसे अहम बात है और अपना मास्क डालना, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी बताई जा रही हैं, इनका अनुपालना करनी चाहिए। सरकार भी इस बार यही अपील कर रही है, क्योंकि जो वायरस है उसको लेकर इस बार ये कहा जा रहा है कि ये हवा में है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता अनिवार्य है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।